हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास भाटिया और आप देख रहे हो भाटिया स्टेनगन कंसल्टेंसी। क्या आपको भी इस तरीके से एक पेन इन हैंड वाला कर्सर यूज करना है ऑनलाइन पढ़ाते हुए? तो दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक इमेज को एज कर्सर यूज कर सकते हो और इस तरीके के अमेजिंग कर्सर्स बना सकते हो अपने आप ही। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ से हम लोग फ्री इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो freepik.com से आप ये कर सकते हो। लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ पर देखिए, सर्च करते हुए यहाँ पर आप डायरेक्टली फ्री डाल सकते हो, आइकन्स भी सर्च कर सकते हो। मुझे ऑल करना है तो मैंने इसीलिए ऑल रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, एंड विद पेन मैं सर्च करता हूँ, एड प्ले होती है ऑब्वियसली। अब यहाँ पर देखिए, ये वाली इमेज मुझे अच्छी लग रही है तो ये वाली इमेज हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये इमेज डाउनलोड हो गई है। अब जैसा ही ये इमेज डाउनलोड हो गई है, वैसा ही इस इमेज को हम पावर पॉइंट में ले जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया है। अब इस इमेज को इंसर्ट करते हैं। अब ये इमेज हम यहाँ पर इंसर्ट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन सबसे पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये इमेज को एक बैकग्राउंड है। तो ठीक है, हम ये इंसर्ट करते हैं और ये जो बैकग्राउंड है इस इमेज का, इसे रिमूव कर देते हैं। तो किस तरीके से रिमूव करेंगे, तो हमने इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए, जितना भी पिंक हुआ एरिया है ये पूरा का पूरा रिमूव ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये सही है। तो हम करते हैं इसे कीप चेंजेस। कीप चेंजेस करने के बाद देखिए, हम इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। रीजन, क्योंकि कर्सर हमारा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा जो एंड आ रहा है तो ये सिर्फ हैंड ही होना चाहिए। तो ये इमेज हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इसका साइज भी छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसे करते हैं राइट क्लिक एंड उसके बाद सेव एज पिक्चर पर क्लिक करते हुए यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं इसे एज PNG, और इसे टाइप कर देते हैं, कर्सर नाम दे देते हैं, इसे कर देते हैं सेव। अब यहाँ पर ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुका है। तो चलिए, अब मैं चलता हूँ वेब ब्राउजर पे फिर से। अब दोस्तों, cursor.cc नाम की एक वेबसाइट है, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये वेबसाइट आपके PNG फाइल को कर्सर फाइल में कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए, इम्पोर्ट इमेज पर क्लिक करना है। इम्पोर्ट इमेज पर क्लिक करने के बाद चूज फाइल ये कहता है, तो फाइल हमने चूज कर लेनी है। तो देखिए, ये फाइल मैंने चूज कर ली। उसके बाद अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमारा कर्सर ऑटोमेटिकली बन जाता है, और एग्जाम्पल 1 देखिए यहाँ पर, या फिर एग्जाम्पल 2। तो आप कोई भी कर्सर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कर्सर 2 सेलेक्ट कर लिया है रैंडमली। अब यहाँ पर डाउनलोड कर्सर पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर cursor.cur मतलब कि कर्सर फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब चलते हैं हम हमारे कंट्रोल पैनल में। अब देखिए दोस्तों, मैंने कंट्रोल पैनल हमारा यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर माउस पे क्लिक कर देना है, मतलब ये माउस की सेटिंग्स हमारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। माउस की सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए, पॉइंटर्स में जाना है। अब ये नॉर्मल सेलेक्ट वाला जो हमारा कर्सर है, यहाँ पर हमें चेंज करना है। तो ब्राउज कर लेना है। ब्राउज करने के बाद हमारा ये डाउनलोड्स में डाउनलोड हुआ है, तो डाउनलोड वाले फोल्डर पर हम चलते हैं। तो देखिए, डाउनलोड वाले फोल्डर में हमारी कर्सर वाली फाइल हमें नज़र आ रही है। तो हम करते हैं इसे ओपन। ओपन करते ही देखिए, यहाँ पर इसे कर देते हैं अप्लाई। अप्लाई करते ही देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा हैंड विथ पेन वाला कर्सर आ चुका है। अब मैं करता हूँ इसे ओके। अब चलिए हम वन नोट फॉर विंडोज 10 ओपन कर लेते हैं, और इसमें किस तरीके से लिखता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने वन नोट फॉर विंडोज 10 ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखिए, मेरा ड्राइंग ऑप्शन ओपनड है, और मैंने यहाँ पर मान लीजिए अभी हम रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रेड कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और ड्रॉ हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बड़े ही आराम से मैं हैंड विद पेन से लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो देखिए किस तरीके से ये लिखा जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, आप एक इमेज को एज कर्सर यूज कर रहे हो, कन्वर्ट आपने कर लिया है, और देखिए जैसा कि आप ओरिजिनली लिख रहे हो इस तरीके से ही फील होता है, क्योंकि आप फास्ट लिखते हो। ऑब्वियसली आप अगर बहुत ध्यान से इसे ऑब्जर्व करो, तो आपकी जो टिप है और आपका जो इमेज है, ये इमेज के कॉर्नर पे होता है। तो अगर आपको चाहिए कि एक्यूरेटली वो आपके पेन टिप से ही आपका कर्सर स्टार्ट हो, तो आपको उस तरीके से आपका ये जो इमेज है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उस इमेज को सेलेक्ट करते हुए एडिट भी करना होगा, सो दैट वो एग्जैक्टली उस टिप से चले। अब भी एक ऑफसेट आपको नजर आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली ये ऑफसेट, मैं फास्ट लिखता हूँ तो इतना समझ में नहीं आता है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा जरूर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, सो दैट इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक हमेशा पहुँच जाया करें। थैंक यू।